नमस्कार साथियों, आज जैसा कि आप सभी को पता है 14 अगस्त है और आज पूरा भारतवर्ष विभाजन की विभीषिका दिवस मना रहा है। यह उत्सव तो नहीं है लेकिन यह उन मूल्यों को याद करने का दिन है जिससे हमने एक लंबे समय के बाद आजादी पाई थी। आजादी एक ऐसा मूल्य है मनुष्यता के लिए जहाँ पर जब बातचीत होती है मनुष्यता के मिनिमम रहवास के लिए तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात होती है। और हम लोगों ने जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और उसके साथ उस आज़ादी की कीमत के रूप में हमने बहुत कुछ ऐसा चुकाया, मनुष्यता ने कुछ ऐसा चुकाया कि वह आज भी हमारे लिए प्रीतिकर रुचियों का विषय तो नहीं है। ऐसे में जब हम बात करते हैं साहित्य की ओर से इस विभीषिका को देखने की तो एक बड़ा आरोप हिंदी साहित्य पर लगता रहा है कि हिंदी साहित्य विभाजन की विभीषिका पर अमूमन चुप है, वह बहुत कुछ नहीं कहती, बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहती जैसा कि पंजाबी में अथवा बंगाली भाषा में जिस तरह के साहित्य रचे गए। अगर हम साहित्य को देखें, हिंदी साहित्य को देखें तो इसकी एक भारी कमी हमें देखने को मिलती है। बहुत ठीक ठीक लिटरेचर उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहानियों में और उपन्यासों में और ख़ास करके ये वे कहानीकार थे या ये वो उपन्यासकार थे जो पंजाब की तरफ से जुड़े हुए थे या बंगाल की तरफ से जुड़े हुए थे और उन जिन्होंने सीधे सीधे इस विभीषिका को देखा उनकी रचनाओं में मौजूद है, लेकिन हिंदी कविता विभाजन की त्रासदी पर चुप है। लगभग उस समय के जो बड़े रचनाकार हैं वो बहुत स्पष्ट तरीके से हिंदी साहित्य में इस विभीषिका को उल्लेखित नहीं करते अपनी रचनाओं में। इसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला एक कारण तो यह है कि कविता जितनी संवेदनशील विधा है वह अपने समय के क्रूरतम यथार्थ को बहुत प्रतीकों में दर्ज करती है, कई बार वो बहुत सीधे सीधे उसे नहीं कहती। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है कि हिंदी का जो क्षेत्र था वह विभाजन से सीधे सीधे प्रभावित नहीं था। वो दिल्ली थी और तमाम ऐसी जगहें थीं वहाँ पे बहुत प्रतीक के रूप में आपको कविताएं मिलेंगी लेकिन सीधे सीधे कविताएं विभाजन को लेकर के नहीं है। हिंदी प्रदेश में विभाजन को लेकर के जो भी साहित्य मिलता है वह स्मृतियों का साहित्य है। ऐसे में आज हिंदी साहित्य की एक अप्रतिम कविता जो विभाजन से संबंधित है, विभाजन के से संबंधित स्मृतियों को रेखांकित करती हुई कविता है, केदारनाथ सिंह की कविता है सन 47 को याद करते हुए, आपके समक्ष मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता है, तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह, गेहूए नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अखीर में लौटने वाले नूर मियाँ, क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह, तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमाम बाड़ा, तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा, क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ, क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में, क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में, तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह, क्या तुम्हारा गणित कमजोर है। यह कविता जब आप पढ़ते हैं तो दो व्यक्तित्व तो आपके सामने आते हैं, एक कवि का स्वयं का व्यक्तित्व तो केदारनाथ सिंह का और दूसरे उनके बच, क्योंकि देखिए इसमें जब केदारनाथ सिंह जिक्र करते हैं तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा, तो यह सीधे सीधे पंक्ति उस बचपन की ओर
इशारा करती है, उस पुराने समय की ओर इशारा करती है, जब संभवतः नूर मियाँ और केदारनाथ सिंह दोनों साथ पढ़ रहे होंगे या बचपन के साथ ही रहे होंगे, या कोई भी संभावनाएं हो सकती हैं इस नूर मियाँ को याद करने के लिए। और एक नूर मियाँ जो सुरमा बेचते हैं, नूर मियाँ जो बाजार जाते हैं गांव में, तो एक बचपन की स्मृति भी हो सकती है। और अचानक नूर मियाँ पूरे परिदृश्य से गायब हो जाते हैं और लोग अंदेशा लगाते हैं कि वे अभी कहाँ होंगे, ढाका में होंगे या मुल्तान में होंगे, हो सकता है वो लाहौर में भी हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है विभाजन की त्रासदी में उनकी जान चली गई हो। नूर मियाँ का कहीं भी अता पता नहीं है। ये वो नूर मियाँ हैं जो एक समय में हमारे साझेदार थे, हमारे दुख और सुख के साथी थे। विभाजन की त्रासदी ने जो हमें उपहार स्वरूप, जब हमें यह आजादी मिली उसके उपहार स्वरूप विभाजन की एक बहुत बड़ी त्रासदी भी मिली, और आज भी हम उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। आज भी बहुत सारी स्थितियां, मनुष्य विरोधी स्थितियां, उन घटनाओं को याद करके कई तरह की राजनीतिक और अपने स्वार्थ की राजनीति को संतुष्ट करते हैं। आज भी कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो जल रहे हैं और जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। विभाजन इस देश की हकीकत थी, है, अब इसको स्वीकार कर हमें आगे बढ़ना होगा। आज के दिन को हम अगर इस रूप में याद करें कि वो इतिहास की बातें हैं, उसका हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम उससे सबक ले सकते हैं, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वह समग्रता का है, सबका है। तो ऐसे में इन त्रासदियों को याद करके और इतिहास के उन खूनी पन्नों को छोड़ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। हमने बहुत यात्राएं भी की हैं इस संदर्भ में। आज का दिन इन यात्राओं को याद करने का दिन है और यह कोशिश करने का, समझने का दिन है कि आखिरकार हर बार मनुष्यता ही क्यों समझौता करती है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।